एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास. स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर नंबर 5. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ क्विक रीकैप ऑफ अवर एंटायर चैप्टर. स्टूडेंट्स, आई हैव प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ योर चैप्टर नंबर 4. आई होप आप सब ने चैप्टर नंबर 4 के नोट्स अपनी क्लासवर्क कॉपी में प्रॉपरली इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग लिख लिया होगा. आपको आपके चैप्टर नंबर 4 के नोट्स स्कूल की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे. जिनके पास चैप्टर नंबर 4 के नोट्स नहीं है बेटा, वो स्कूल की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 5. एज यू नो द नेम ऑफ अवर चैप्टर नंबर 5 इज फूड एंड डाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं भोजन तथा पाचन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रिकैप. स्टूडेंट्स, वी नीड फूड फॉर लिव, ग्रो एंड सर्वाइव. हम सबको भोजन क्यों चाहिए बेटा? जिंदा रहने के लिए, पढ़ने के लिए और सर्वाइव करने के लिए. ओके, इसेंशियल सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन आवर फूड आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. हम हमारे खाने में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं बेटा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अ डाइट दैट कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर एंड राइट अमाउंट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट. ऐसा कोई भी डाइट जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर और राइट अमाउंट में होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं. और स्टूडेंट्स, हमें हमेशा कैसा डाइट लेना चाहिए बेटा? बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन एंड मिनरल्स भी हो. नाउ लेट्स नो अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स वन बाय वन. इन शॉर्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड के भी नाम से जानते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बेटा हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं. व्हीट, राइस, पोटैटो एंड शुगर आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं बेटा. जो ग्रोन अप चाइल्ड होते हैं उन्हें अधिकतर कैसा भोजन लेना चाहिए, ऐसा खाना लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन्स ज्यादा हो. पल्सेस, बीन्स, एग एंड मीट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन रिच फूड. नेक्स्ट इज फैट. फैट गिव्स अस हीट एंड एनर्जी. बेटा हमें ज्यादा फैट रिच फूड नहीं खाना चाहिए. फैट हमें क्या देता है, हीट देता है, एनर्जी भी देता है, बट हमें ज्यादा फैट रिच फूड नहीं लेना चाहिए. हमें हमेशा फैट की क्वांटिटी अपने खाने में कम रखनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि विटामिन एंड मिनरल्स डिजीजेस से लड़ने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं. सो अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई भी डिजीज ना हो, तो हमें हमेशा ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स ज्यादा हो. वैसे तो विटामिन एंड मिनरल्स की नीड हमारी बॉडी को बहुत कम होती है. सो वी कैन टेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन अवर डाइट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट. हम अपने खाने में किसी भी फ्रूट या किसी भी वेजिटेबल को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं बेटा, विटामिन एंड मिनरल्स ले सकते हैं. वैसे तो हमें विटामिन एंड मिनरल्स को कम खाना चाहिए, बट ये याद रखना है कि हमें विटामिन एंड मिनरल्स को रेगुलरली लेना है, क्योंकि ये जो है किससे लड़ने में हमारी हेल्प करता है, डिजीजेस से लड़ने में हमारी हेल्प करता है. ओके, सो इफ वी वांट टू बी हेल्दी, तो हमें कैसा खाना लेना चाहिए, हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए. स्टूडेंट्स, वी हैव टू इंक्लूड रफेजेस इन अवर डेली डाइट. बेटा हमें रफेज को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन. क्योंकि जो रफेज होते हैं बेटा, वो खाने के प्रॉपर डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ओके, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द एग्जांपल ऑफ रफेज. हम खाने के साथ कुछ रॉ वेजिटेबल्स लाइक जो हम सैलड खाते हैं बेटा, उसे ही हम रफेज बोलते हैं. इसके अलावा खाने के साथ हम कुछ फ्रूट खा सकते हैं. ठीक है, ये भी क्या होते हैं, रफेज होते हैं, जो हम हमारे खाने के प्रॉपर डाइजेशन में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ अवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वॉटर. हमारी बॉडी का जो अधिकतर वेट होता है बेटा, वो किसके कारण होता है, पानी के कारण होता है. वॉटर हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन. वॉटर प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, वॉटर हेल्प्स इन टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर. और वॉटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन या संतुलित बनाए रखने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है. सो वी ऑल हैव टू ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वॉटर इन अ डे. सो हमें दिन भर में बेटा कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए. Now here is your homework. You all have to write answers of these questions properly in a very neat and clean handwriting in your homework copy. Question number 1 is, what do you mean by balanced diet? Question number 2, why do we need food? Question number 3, give
5 examples of protective food, and the last is give 5 examples of carbohydrates. Okay, thanks for watching.